हेलो, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। हाउ कैन आई हेल्प फॉर यू? मैम, क्या आप हिंदी में बोल सकते हो? हाँ, ज़रूर। मेरा मतलब है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। फ्रेंड्स, हर किसी को किसी न किसी काम के लिए बैंक में जाना पड़ता है, और सपोज़ अगर बैंक एम्प्लॉय आपके साथ इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर दे एंड यू आर नॉट एबल टू गिव रिस्पॉन्स इन इंग्लिश दैट टाइम, सो हाउ विल यू फील दैट टाइम? ऑब्वियसली बात है कि आप इस सिचुएशन को फेस करेंगे एंड आप एम्बेरस फील करेंगे। अभी एम्बेरस फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन दिस वीडियो आई विल टेल यू दैट हाउ कैन यू कम्युनिकेट विद बैंक एम्प्लॉयज़। फ्रेंड्स, सपोज़ अगर आप बैंक जाते हैं और आपको जानना है कि सेविंग बैंक अकाउंट कैसे खोलना है, या मनी ट्रांसफ़र कैसे करना है, या फिर विड्रॉल कैसे करना है, या चेक बाउंस हो जाता है, तो आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे इंग्लिश में? इस वीडियो में आपको यही सब बताने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। हेलो, आप कैसे हैं? हेलो, हाउ आर यू डूइंग? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आई एम फाइन, थैंक यू। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? व्हाट कैन आई हेल्प फॉर यू? मैं एक बैंक अकाउंट खोलना चाहती हूँ। I want to open a bank account. आप किस तरह का खाता खोलना चाहेंगे? What kind of account would you like to open? मैं एक बचत खाता खोलना चाहूँगी। I would like to open a saving bank account. बचत खाता खोलने के लिए आपको मिनिमम 1,000 रुपये जमा करने होंगे। In order to open saving account, you need to deposit minimum 1,000 rupees. ठीक है, मैं इसके साथ में 10,000 रुपये जमा करना चाहूँगी। ओके, आई वुड लाइक टू डिपॉजिट 10,000 रुपीज़ विद इट। ठीक है, सबसे पहले आपको इस फॉर्म को भरना होगा। ओके, फर्स्ट यू नीड टू फिल आउट दिस फॉर्म। ठीक है, और मुझे क्या क्या करना है? ओके, एंड व्हाट एल्स आई हैव टू डू? इस फॉर्म के साथ आपको अपनी आईडी और पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लगानी है। With this form, you also have to put your ID and passport size photo. यह रहा फॉर्म डॉक्यूमेंट के साथ। Here is form with documents. ठीक है, मुझे ज़रा चेक करने दो। Okay, let me check. अब आपका अकाउंट खुल गया है और यह रही आपकी पासबुक। Now your account has been opened. And here is your passbook. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. फ्रेंड्स, अगर आप पैसे जमा कराने बैंक में गए हैं तो आप किस तरह से वहाँ पर कॉन्वर्सेशन करेंगे, चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। हेलो, आप कैसे हैं? हेलो, हाउ आर यू डूइंग? मैं अच्छी हूँ, पूछने के लिए धन्यवाद। आई एम फाइन, थैंक्स फॉर आस्किंग। बताइए, आज मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? Tell me, what can I do for you today? मैं अपने खाते में कुछ पैसे जमा कराना चाहूँगी। I would like to deposit some money in my account. ठीक है, क्या आप नगद जमा करना चाहेंगे या चेक से? Okay, would you like to deposit by cash or a check? मैं नगद जमा करना चाहती हूँ। I would like to deposit by cash. आप कितना कैश जमा कराना चाहेंगे? How much cash would you like to deposit? मैं 10,000 रुपये जमा करना चाहूँगी। I would like to deposit 10,000 rupees. आप किस खाते में पैसा जमा कराना चाहते हैं? In which account do you want your money deposit in? मैं अपने बचत खाते में जमा करना चाहती हूँ। I want to deposit in my saving account. क्या आपको कुछ और मदद चाहिए? Do you need any help? नहीं, बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नो, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, यह रही आपकी डिपॉजिट स्लिप। ओके, हियर इज योर डिपॉजिटिंग स्लिप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं, अगर आप बैंक में पैसा निकालने के लिए गए हैं तो आप किस तरह से वहाँ पर बैंक एम्प्लॉय के साथ कम्युनिकेट करेंगे, चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। हेलो, आप कैसे हैं? हेलो, हाउ आर यू?
बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आई एम फाइन, थैंक यू। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? टेल मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू। मुझे कुछ पैसे निकालने की ज़रूरत है। आई नीड टू विड्रॉ सम मनी। क्या आपका इस बैंक में कोई खाता है? डू यू हैव एनी अकाउंट इन दिस बैंक। हाँ, इस बैंक में मेरा बचत खाता है। यस, आई हैव अ सेविंग अकाउंट इन दिस बैंक। आप कितना पैसा निकालना चाहेंगे? हाउ मच मनी वुड यू लाइक टू टेक आउट। मुझे 5,000 रुपये निकालने की ज़रूरत है। आई नीड टू विड्रॉ 5,000 रुपीज। यह रहे आपके 5,000 रुपये। हेयर आर योर 5,000 रुपीज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, अगर आप किसी को चेक देते हैं और चेक बाउंस हो जाता है तो आप किस तरह से बैंक में एम्प्लॉय के साथ कम्युनिकेट करेंगे, चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। हेलो, मैं आज आपके लिए क्या कर सकती हूँ? हेलो, व्हाट कैन आई डू फॉर यू टुडे? मुझे एक समस्या है। आई हैव अ प्रॉब्लम। मुझे बताओ क्या समस्या है। टेल मी व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। मैंने टेक प्राइवेट लिमिटेड को 5,000 रुपये का चेक दिया था और वह बाउंस हो गया। आई हैव गिवन अ चेक ऑफ 5,000 रुपीज़ टू टेक प्राइवेट लिमिटेड एंड इट बाउंस्ड। क्या आपके खाते में पर्याप्त पैसे हैं? डू यू हैव इनफ मनी इन योर अकाउंट। मुझे लगता है कि मेरे खाते में पर्याप्त पैसे हैं। आई थिंक आई हैव इनफ मनी इन माई अकाउंट। मुझे इसको चेक करने दो। कृपया आप मुझे अपना खाता नंबर बताइए। लेट मी चेक, प्लीज़ टेल मी योर अकाउंट नंबर। या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपके बचत खाते में तो सिर्फ 4,000 रुपये हैं। यू ओनली हैव 4,000 रुपीज इन योर सेविंग अकाउंट। यह कैसे संभव है? मेरे खाते में 10,000 रुपये थे। हाउ इट इज़ पॉसिबल? आई हैड 10,000 रुपीज इन माई अकाउंट। मुझे खेद है लेकिन यही हमारा रिकॉर्ड दिखा रहा है। आई एम सॉरी बट दिस इज व्हाट आवर रिकॉर्ड शोज। ठीक है, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अगर आपको किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो आप किस तरह से बैंक में बैंक एम्प्लॉय के साथ कम्युनिकेट करेंगे, चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। हेलो, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? हेलो, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मैं कुछ पैसे ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू ट्रांसफ़र सम मनी। आप कहाँ से पैसे ट्रांसफ़र करना चाहेंगे? फ्रॉम वेयर वुड यू लाइक टू ट्रांसफ़र मनी? मैं अपने सेविंग अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम माई सेविंग अकाउंट। और आप पैसे कहाँ ट्रांसफ़र करना चाहेंगे? एंड वेयर वुड यू लाइक टू मनी ट्रांसफ़र? मैं अपने लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहूँगी। आई वुड लाइक टू ट्रांसफ़र इन टू माई लोन अकाउंट। आप कितना ट्रांसफ़र करना चाहेंगे? हाउ मच वुड यू लाइक टू ट्रांसफ़र? मैं 1,00,000 ट्रांसफ़र करना चाहूँगी। आई वुड लाइक टू ट्रांसफ़र 1,00,000। कृपया प्रतीक्षा करें और मुझे यह करने दीजिए। प्लीज़ वेट एंड लेट मी डू इट। ठीक है, कीजिए। ओके, गो अहेड। अब आपके 1,00,000 रुपये ट्रांसफ़र हो चुके हैं। नाउ योर 1,00,000 रुपीज़ हैज़ बीन ट्रांसफ़र। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी मदद की सराहना करती हूँ। थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट योर हेल्प। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और जब आप नेक्स्ट टाइम बैंक में जाएं तो आप एम्बेरस फील नहीं करेंगे, इस तरह से आप बैंक एम्प्लॉय के साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके टॉपिक बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग मोर वीडियोज़।